क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है, क्या है, क्लास 8 एक्सरसाइज 8 ए का 11 है, ठीक है। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, देखिए यहां पर ये वेरिएबल है, ये पार्ट वेरिएबल है, ये भी पार्ट वेरिएबल है और ये भी पार्ट वेरिएबल है। कंडीशन है कि ये राइट साइड में है, तो ये दोनों वेरिएबल कहता है कि भाई राइट साइड में क्यों हो, लेफ्ट साइड में आओ। ये कहता है कि लेफ्ट साइड में आएंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो कहता है ओके। तो चलिए देखिए और लिखते हैं, 2x + 7/5 लिख देंगे, -3x + 11/2 -2x + 8/3। देखिए माइनस साइन हो गया है ना, चलिए नंबर है अकेला बच गया नंबर, चलिए कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं ना कि इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। चलिए एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, क्लियर है ना। अच्छा 5 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से 2x + 7, ठीक है। माइनस का साइन, चलिए माइनस का साइन दिए, 2 में 30 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, चलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 15 से, चलिए हो गया। माइनस टू है तो 3 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 10 से, चलिए 10, 2x + 8 कितना है, -5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जैसे देखिए ये डिवाइड है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इसका गेम यहीं पर बजा देंगे, तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई किए 12x, 6 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 42 आ गया, देखिए माइनस है, 15 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 45x आ गया, चलिए क्लियर है। माइनस 15 में 11 से मल्टीप्लाई किए तो -165 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 10 में 22 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ जाएगा, माइनस 10 में 8 से मल्टीप्लाई किए तो -80 आ जाएगा। अब देखिए राइट साइड में क्या है, -5, और जो हमने बोला था कि डिवाइड होगा तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई कर दिया 30 से। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है हमारे पास, तो 12x, 45x और 20x, ठीक है। इसके बाद तो नंबर है, देखिए तो पहले x ये देखते हैं कि वेरिएबल में कौन कौन सा प्लस है, प्लस की मात्रा ज़्यादा है कि माइनस का। तो देखिए माइनस के यहाँ टू पार्ट्स, तो पहले माइनस का ऑपरेशन करते हैं, चलिए तो 12x को लिख देंगे और माइनस को, तो माइनस साइन देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 65x। चलिए अब हम थोड़ा नंबर के बारे में बात करते हैं, देखिए 42 नंबर्स है, 165 माइनस में है, 80 माइनस में है, कोई बात नहीं। तो ये प्लस 42 उतार देंगे, प्लस 42 क्या करेंगे, लिख देंगे प्लस 42 और माइनस, देखिए ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस का साइन देकर दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, चलिए ऐड कर दिए, तो 5 8 6 14 की 4 1 1 2, 245 हो गया, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे राइट साइड में क्या है जी, 150, 5 -5 में 30 से मल्टीप्लाई के 150 आएगा, ओके है ना। चलिए देखिएगा यहाँ पर अब 12x में से 65x माइनस का है, तो ये ज़्यादा है ना, तो इसके पहले माइनस का साइन है, जो बड़ा होता है उसी का साइन होता है, तो माइनस साइन दे दिया तो 65, तो 65 में 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो चलिए 3 आ चुका है और 6 में से 1 जाएगा 5, ठीक है, -53x है। और देखिए ये 42 है, ये 245 है, तो इसका मात्रा ज़्यादा है, तो इसके पहले किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस होगा, चलिए तो 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 0 और 2, और राइट साइड में क्या है, -150, खैर कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर -53x आएगा, तो ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, ठीक है, तो ये नंबर कहता है -150 राइट साइड में अकेला है ना, ये कहता है इस नंबर से कि तुम मेरे साइड आ जाओ, ठीक है, तो ये राइट साइड जाता है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलिए तो यानी कि -A150 जब बुलाया इसको तो ये प्लस में हो गया, चलिए यहाँ चला आया ना। अब हम क्या करते हैं देखिएगा, तो -53, चलिए तो -53x लिख दिए, और लिखना है तो चलिए और लिख देते हैं, पहले और -53x, क्या होगा कि ये अधिक है,
तो इसमें से ये माइनस होगा, इसका साइन होगा, तो थ्री में से जीरो गया तो थ्री, ठीक है, और टेन, टेन में से फाइव जाएगा फाइव, चलिए फाइव। अब देखिए यहाँ क्या बचा, वन बचा, वन में से वन जग गया जीरो, कोई बात नहीं, चलिए फिफ्टी थ्री आएगा। और x इक्वल टू फिफ्टी थ्री बाई माइनस फिफ्टी थ्री आ गया, और ये हो गया कैंसिल, तो माइनस नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा, तो देखिए 53 वन मरतबे कट गया, तो x इक्वल टू माइनस वन आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे कि माइनस वन तो है नहीं, तो ये माइनस यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ईजी है, देखिए कैसे, तो और लिखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, राइट साइड में वेरिएबल है कौन कौन सा, 4x और ये 3x प्लस 10 बाई 2 वेरिएबल है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में वेरिएबल है, तो ये राइट साइड वालों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, कॉलिंग कर रहा है, आ जाइए लेफ्ट साइड में, तो कृपया, तो ये कृपया कर दिया, तो ये आ गया, तो देखिए लेकिन कह रहा है साइन चेंज हो जाएगा, देखिए तो ये प्लस 4x है ना तो माइनस 4x हो जाएगा, ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 10 बाई 2, अब क्या बच जाएगा राइट साइड में, देखिए 1 बच जाएगा, तो राइट साइड में हम लिख देंगे 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं ना, चलिए ओके। अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, और ये है 6, 1, 2 का एलसीएम होगा 6, चलिए लिख दिया, 6 में 6 डिवाइड करेंगे 1, 1 में मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, क्या होगा तो यही हो जाएगा 5x माइनस 4 ही हो जाएगा, देखिए माइनस, तो 1 में 6 डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x आ जाएगा, देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमने दे रखा है, 2 में 6 डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 भी इसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस 10 इक्वल टू 1, राइट साइड में 1 है, चलिए 1 तो चलता चलेगा। अब 1 क्या कर रहे हैं ना, इसके गेम को देख रहा है, अरे लेफ्ट साइड क्या खेल रहा है, मजा आ रहा है, तो देखिए और यहाँ पर 5x और माइनस 24x, पहले काम करते हैं एक काम, तो यहाँ पर 5x पहले लिखते जाते हैं, 3 9x और 3 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 30, लेकिन यहाँ डिवाइड है, राइट साइड में जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत ही गर्दा हो रहा है, बहुत ही गर्दा कर देंगे आज, देखो तो ये माहौल धुआं हो जाएगा। अब देखिए ये 5x माइनस 24x प्लस 9x है, क्लियर है, तो देखिए ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, दोनों प्लस में हैं, तो पहले प्लस का काम करेंगे, तो 5 और 9 में ऐड करेंगे तो 14x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस 24x है तो 24x कर दिया, क्लियर है। अब देखिए ये नंबर है और ये नंबर है, माइनस 4 और प्लस 30, तो 30 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 26 प्लस 26 इक्वल टू 6 राइट साइड में। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो 14x में से 24 में, तो ये बड़ा है तो इसका पहले माइनस साइन हो जाएगा, और 24 में 14 माइनस करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब देखिए 26 को बुला रहा है कि मेरे तरफ आ जाओ, तो ये चला जाएगा तो प्लस है तो माइनस साइन हो जाएगा। चलिए आइए जी, राइट साइड में आपको मन नहीं लग रहा है तो चले जाइए, तो देखिए माइनस 10x इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 20, क्योंकि माइनस साइन है बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, इसके पहले माइनस साइन है, माइनस साइन देंगे 26 में से माइनस 6 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है गेम, तो 10x, चलिए तो x इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 20 बाई माइनस 10, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, और ये 0 0 कैंसिल, तो कितना बचा 2, तो x इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके। क्वेश्चन है, देखिए हमारा मीन सिलेक्शन जानते हैं क्या होता है, कि वेरिएबल को एक तरफ करना और कांस्टेंट को एक तरफ करना, और मज़ा आता है ऐसा करने में, और हमारा वेरिएबल का आंसर भी आ जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो पहले तो और लिखेंगे, ये हमारा राइट है, क्लियर है। देखिए हम क्या करते हैं ना पहले, कि इस ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और इसमें कुछ पार्ट्स है जो वेरिएबल है, ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कार्यक्रम करते हैं। देखिए तो इसके पहले कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं,
पहले कार्यक्रम कर देते हैं तब तक इसका, तो एलसीएम कितना हो गया, थ्री हो गया ना। तो वन में थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री आएगा, थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से तो 15x, क्लियर है। माइनस थ्री में थ्री से तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वन हो जाएगा। और देखिए सिक्स में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6x। देखिए एक चीज़ मैं रफ कर देता हूँ, अगर नहीं पता चल रहा है तो 6 में 1/30 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 6 कट जाएगा, 6 काट देगा 30 को 5 मरतबे, तो 1/5 हो जाएगा। यानी कि 6 में इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5। देखिए राइट साइड में हम बोलते हैं ना कि अक्सर इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, चलिए देखिएगा, ये राइट साइड में नहीं, ये राइट साइड में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये भी वेरिएबल है, इसको लेफ्ट साइड में लेके चले आएंगे, तब तक इसका कार्यक्रम हम कर देते हैं। -x -1/3 अब लेके आ सकते हैं ना, तब -6 है, +6 है तो लेफ्ट साइड आएगा तो -6x। चलिए राइट साइड में क्या बचा है, 1+5, ये नंबर है, कोई बात नहीं, वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ। क्या बोले थे कि यही तो गेम होता है कि वेरिएबल के एक तरफ करते हैं, ठीक है, नंबर को दूसरी तरफ कर देते हैं। चलिए और 15x में से गया तो 14x -1/3। अच्छा यहाँ कुछ नहीं तो 6/1 लिख सकते हैं ना, -6x/1, चलिए 1/5। अच्छा देखिएगा, आप ही लोग से पूछ पूछ के लिख रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट से मैं अक्सर स्टूडेंट से बात करते हुए बनाता हूँ, उस क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और स्टूडेंट से ही पूछता हूँ। तो 3 और 1 का एलसीएम 3, चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ 3 से डिवाइड होगा 1 होगा, चलिए 14x-1 माइनस 1 में 3 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, तो 3 में 6 से मल्टीप्लाई होगा 18x, चलिए इक्वल टू 1/5। अब हम बात करते हैं, देखिए ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। अगर कोई नंबर रहता है, इंटीजर रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ। चलिए तो 14x में से 18x घटा माइनस हुआ, तो देखिए ये बड़ा अमाउंट है ना, तो इसके पहले किसका साइन है, माइनस का, तो चलिए माइनस 18 में से 4 घटा 4x-1, ये चला गया 1/5 और 3 मल्टीप्लाई होगा, कहाँ मल्टीप्लाई हुआ, न्यूमरेटर में। अब देखिए यहाँ पर -4x है, ठीक है, -1, तो यहाँ क्या होगा, 3/5 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये नंबर है, ये इस नंबर को बुला रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो वेरिएबल के साथ, आ जाओ, तो ये नंबर की तरफ चला जाता है, लेकिन साइन माइनस है तो प्लस हो जाता है। चलिए तो और -4x = 3/5 + 1 हो चुका है ना, तो इसके पहले कुछ नहीं है, इसके नीचे में तो 1/5 लिख सकते हैं, ओके। चलिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे -4x = एलसीएम हो जाएगा 5, 3 हो जाएगा 5 और 5, तो देखिए -4x = 8/5 हो गया है ना। अच्छा हम ऐसे भी लिख सकते हैं x = 8/5, देखिए -4 हो गया ना। अच्छा देखिए 4 में 2 मतलब कट गया, तो x जो माइनस है ना ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, तो 2/5, नीचे माइनस नहीं रखा जाता है, ऊपर ट्रांसफर हो जाता है न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हमारा टारगेट रहता है ना क्या, कि लेफ्ट साइड को वेरिएबल को लाना और राइट साइड कांस्टेंट को लेकर जाना, यानी कि नंबर को लेकर जाना, यही ना। चलिए एक कह सकते हैं अलग लैंग्वेज में कि एक तरफ वेरिएबल को, दूसरी तरफ हम कांस्टेंट को लेके जाते हैं, यानी कि जस्ट नंबर को, क्लियर है। देखिए यहाँ पर और, तो यहाँ पर पहले बात करते हैं 4, चलिए 2 में जेड से मल्टीप्लाई होगा 2z और 2 में -4 से मल्टीप्लाई होगा -8/3। अब कोई बोलेगा ना कि सर माइनस लगा हुआ है तो -2z होगा, नहीं, ये होल सिस्टम में केवल इस सिस्टम में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस तो यहाँ है, क्या लेना देना इसको अभी माइनस से। चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं राइट साइड में 2z + 5/2, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अच्छा देखिए अब मजे की बात है कि यहाँ ये वेरिएबल है पूरा पार्ट और ये वेरिएबल है पार्ट, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, और ये एक नंबर बच जाएगा जो इसको राइट साइड में रख देंगे। चलिए तो -2z - 8/3
माइनस टू जेड प्लस फाइव बाई टू, ये राइट साइड में चला गया है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए एक चीज़, यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर नहीं है, ये माइनस है। तो अगर हम कहना चाहते हैं कि माइनस हटाना चाहते हैं तो माइनस ये प्लस में चेंज हो जाएगा और जो प्लस है माइनस में चेंज होगा। तो देखिए तो यहाँ पर तो माइनस टू जेड अब माइनस माइनस प्लस एट लिख सकते हैं बाई थ्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस टू जेड प्लस फाइव बाई टू इक्वल टू माइनस फोर, ओके। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम तो एलसीएम कितना आएगा सिक्स, तो सिक्स में थ्री से डिवाइड करेंगे टू आएगा, टू में इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे टू, तो माइनस टू जेड प्लस एट यहाँ पर बताएंगे, टू में थ्री सिक्स से डिवाइड करेंगे थ्री आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू जेड प्लस फाइव, ठीक है, टू जेड प्लस फाइव। देखिए टू में और जेड में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा स्टाइल से लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल तो मारना जरूरी है। चलिए टू है, ये टू है, याद रहे। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं राइट साइड में क्या है, माइनस फोर। चलिए यहाँ से आते हैं, ठीक है, तो माइनस टू में माइनस टू जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो और लिख देते हैं माइनस फोर जेड हो गया। चलिए और टू में एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन हो गया, प्लस में सिक्सटीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, चलिए हमने माइनस दिया, पहले बटा में क्या है बाई में सिक्स है, चलिए हमने सिक्स दे रखा। अब देखिए थ्री में टू जेड से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सिक्स जेड, अब देखिए थ्री में फाइव से मल्टीप्लाई होगा, माइनस है ना साइन, तो पहले माइनस दे देते हैं और थ्री में फाइव से तो फिफ्टीन, ठीक है। और इक्वलिटी में क्या साइन है, माइनस फोर, चलिए इक्वल टू माइनस फोर। और अब देखिए माइनस फोर जेड है, माइनस सिक्स जेड है, तो दोनों माइनस में है तो माइनस का साइन होगा और दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि टेन जेड हो गया, और सिक्सटीन है प्लस में है माइनस में है तो प्लस वन। और देखिए ये डिवाइड है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो माइनस टेन जेड आया, ये प्लस वन है, उधर जाए उधर ट्वेंटी फोर आएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेंटी फोर। अब देखिए और टेन जेड है, बहुत अच्छा बात है, ये प्लस ये नंबर कहता है इससे कि तुम उधर क्या कर रहे हो, आओ, तो ये राइट साइड चला जाता है, तो राइट साइड चला जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। चलिए साइन चेंज हो गया, माइनस टेन जेड इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव, यानी कि जेड इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ट्वेंटी फाइव बाई माइनस टेन, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये काट सकते हैं, तो टू फाइव के टेबल में दोनों कट जाएगा तो फाइव टू और फाइव फाइव, तो यानी कि z इक्वल टू आ गया फाइव बाई टू। दिस इज योर रसमलाई, यानी कि आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या बोला है, टारगेट हमारा क्या रहता है, ठीक है, कि कांस्टेंट वेरिएबल को एक तरफ लाएंगे और कांस्टेंट को एक तरफ लाएंगे, माने दूसरी तरफ। तो अब एक चीज मैं बात करना चाहता हूं, क्या हमने बताया था कि वेरिएबल को कोशिश करना है कि लेफ्ट साइड में रखें और कांस्टेंट को राइट साइड में रखें, क्लियर है। चलिए देखिए तो और लिखेंगे, यहां पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, थ्री में वाई से तो थ्री वाई और थ्री में माइनस फाइव से तो माइनस फिफ्टीन हो जाएगा, ओके। लेकिन यहां पर वाई में फोर है, चलिए लिख दिया, और यहां पर माइनस फोर वाई है, चलिए ये भी लिख दिया, और इसके नीचे कुछ नहीं तो बाई वन लिख सकते हैं ना, ईजी है। देखिए अब देखिए ये वेरिएबल है ना, ये पार्ट वेरिएबल है, इस वेरिएबल को लेफ्ट साइड में ला देते हैं तो माइनस साइन है तो हो जाएगा प्लस साइन, चलिए प्लस वाई माइनस थ्री बाई टू। यहाँ राइट साइड में क्या बच जा रहा है, थ्री, थ्री जस्ट ई नंबर, तो हमने क्या बोला कि नंबर को राइट साइड में ही रखेंगे, क्लियर है। देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं वेरिएबल 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 आ गया तो हमारे पास एक अस्त्र शस्त्र है एलसीएम, तो एलसीएम ले लेते हैं फोर, ठीक है, फोर में फोर से डिवाइड करेंगे वन, तो कोई बात नहीं, जब न्यूमरेटर यही सेम टू सेम उतर आएगा। देखिए माइनस का साइन है, चलिए माइनस का साइन दिया, वन में फोर से डिवाइड करेंगे फोर आएगा, फोर में फोर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन वाई आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा देखिए प्लस का साइन है, चलिए हमने प्लस दे दिया, टू में फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा टू आएगा, चलिए टू, यहाँ पर वाई माइनस थ्री लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू थ्री। अच्छा देखिए
ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। चलिए तो 3y और यहाँ पर क्या है 16y, तो 3y में से माइनस कर दिए तो ये बड़ा है तो इसका साइन होगा, और 16 में से 3 घटाएंगे यानी 16 में से माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 13y। देखिए ठीक है माइनस 15 लिख देंगे, अभी तो पार्टी बाकी है क्योंकि प्लस है 2y ओके, और 2 में माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 होगा। चलिए हमने लिख दिया, लेकिन हमने बताया क्या कि डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जस्ट 3 × b के राइट 4 ओके ना। अब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स है और ये वेरिएबल्स है ठीक है, ये बड़ा है तो इसके पहले माइनस का साइन है तो चलिए माइनस दे दिया, और 13 में से 2 माइनस होगा तो 11 आएगा तो यानी कि 11y। अब देखिए माइनस 15 है माइनस 6 है तो ये क्या होगा, दोनों का साइन माइनस में होगा लेकिन दोनों ऐड होगा। चलिए तो माइनस साइन दे करके इसको दोनों को ऐड कर दिया और राइट साइड में 12 मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अब देखिए ये कहता है इस नंबर से कि तुम लेफ्ट साइड क्या कर रहे हो वेरिएबल के साथ, हमारे तरफ आ जाओ, तो ये राइट साइड में चला जाता है लेफ्ट साइड से, तो ये साइन माइनस में है तो प्लस बन जाता है। चलिए यहाँ पर हमने बात किया 11y = +21। अच्छा यहाँ पर दोनों जब ऐड होगा तो कितना होगा, ऐड करेंगे तो 33 आएगा, यही आएगा ना। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं तो y = 33/-11 लिख सकते हैं। अब देखिए जब लिख सकते हैं तो ये कट भी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं तो माइनस को ट्रांसफर भी कर सकते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में भेज देंगे तो -3। दिस इज योर आंसर ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये तो दम लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, देखिए सबसे अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए डिवाइड है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में जाएगा, तो चलिए 3x - 4 × 5x + 2। अब देखिए और 3x लिख देंगे और -4 में 5x से मल्टीप्लाई होगा तो -20x हो जाएगा, अब -4 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ये कहता है ए तुम राइट साइड में क्या कर रहा है कांस्टेंट के साथ, आओ वेरिएबल के साथ, तो ये क्या होता है कि ये साइन चेंज करके राइट साइड में चला आता है, तो 3x + 20x = -8 हो गया ठीक है, और दोनों का क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो 23x हो गया -8 हो गया, और देखिए x = -8 मल्टीप्लाई है ना तो डिवाइड में हो जाएगा यानी कि 23। चलिए ये हमारा हो गया आंसर ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए ओके। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ठीक है, तो ये डिवाइड में है ना तो राइट साइड क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलिए 9x = 15 देखिए मल्टीप्लाई में लिख दिए ना 6x, चलिए और 9x लिख सकते हैं और 15 में 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 105 होता है, क्लियर है 105। अच्छा माइनस साइन है, चलिए माइनस साइन दे दिया, 15 में 6x से मल्टीप्लाई किए तो 90x हो गया ठीक है। अब देखिए ये वेरिएबल इससे कहता है अरे मेरी तरफ आओ, तो ये इसको तरफ आता है साइन लेकिन माइनस में है तो हो जाता है प्लस, तो चलिए तो 9x + 90x = 105 = कितना 99x हो गया ना जी, तो 105। अच्छा देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो राइट साइड क्या होगा डिवाइड होगा, चलिए तो आवर x = 105/99। मजे की बात है कि देखिए 5 + 1 जोड़ेंगे तो c ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 99 ऐड करेंगे तो 18 आएगा यानी कि 3 से डिविजिबल होगा। चलिए 3 से कटेगा 3 3 3 5 ठीक है, और किसी से कटेगा किसी से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया x = 35/3। चलिए और सब काम फ्री हो गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए क्लियर है क्वेश्चन से। तो सबसे पहले तो और लिखते हैं क्लियर है, देखिए 5x + 2 डिवाइड के रूप में है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए 3x = -4
5x प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए और 3x इक्वल टू माइनस 4 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 20 और x लिख देंगे। अब देखिए माइनस 4 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए ये कहता है वेरिएबल इससे कि तुम उस तरफ क्या कर रहे हो, राइट साइड में क्या कर रहे हो नंबर के साथ, मेरे तरफ आ जाओ, वेरिएबल वेरिएबल के साथ रहेंगे। तो ये आता है और माइनस है प्लस में हो जाता है। चले 3x प्लस 20x इक्वल टू माइनस 8 और 23x हो जाएगा, दोनों ऐड होगा ना तो इक्वल टू माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो और एक्स इक्वल टू माइनस 8 बाई 23, ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। हंसते हुए आंसर लाना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे लाजवाब है ना, कि दोनों तरफ डिवाइड के रूप में है, दोनों तरफ डिवाइड के रूप में है। तो देखिए ये डिवाइड है ना, इस तरफ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड है तो इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए तो कहने का मतलब ये डिवाइड है तो राइट लेफ्ट साइड में आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 6y माइनस 5, ठीक है, इक्वल का साइन होगा। ये डिवाइड है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 × 2y, ईजी है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 9 में 6 से मल्टीप्लाई होगा 6y से तो 54y हो जाएगा, यहाँ तक तो कन्फ्यूजन नहीं है। 9 में माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 45 होगा। चलिए 7 में 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 14y हो जाएगा। अब देखिए ये वेरिएबल इस वेरिएबल से कहता है कि अरे तुम राइट साइड में क्या कर रहे हो, हम लेफ्ट साइड में हैं, लेफ्ट साइड में आओ, तो ये लेफ्ट साइड में आता है लेकिन साइन माइनस हो जाता है। चलिए तो 54y प्लस है तो साइन माइनस हो जाता है और आ गया। ये देखिए अब वहाँ उधर तो राइट साइड में कुछ नहीं बचा, ये नंबर वेरिएबल के साथ रह कर क्या करेगा, तो ये राइट साइड में चला जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, यानी कि प्लस 40। अब देखिए यहाँ पर 54 में 14 माइनस हुआ तो कितना होगा, यानी कि 40y हो जाएगा इक्वल टू 45। अच्छा ये मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो लिख सकते हैं y इक्वल टू 45/40, क्लियर है। तो ये 5 से कट जाएगा दोनों, तो 5 8 से कटा और 9 से कटा तो कितना आएगा आंसर, y इक्वल टू 9/8 आया ना। चलिए इसको आंसर लिख लीजिए, क्लियर है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान और है। देखिए यहाँ से अगर देखिए ये डिवाइड है ना तो लेफ्ट साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 में 2 माइनस 9z, चलिए तो 4 राइट साइड में है ना, ये डिवाइड है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए तो 17 माइनस 4z, ठीक है, और 5 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 लिखें, 5 में माइनस 9z से मल्टीप्लाई होगा माइनस 45z लिखे। चलिए 4 में 70 से मल्टीप्लाई होगा 68 आएगा और 4 में माइनस 4z से मल्टीप्लाई होगा माइनस 16z आएगा। तो ये कहता है जेड, देखिए ये जेड कहता है इससे कि तुम मेरे तरफ आ जाओ, ये वेरिएबल है ना, ये कहता है तुम मेरे तरफ आ जाओ, तो ये कहता है आऊँगा लेकिन साइन चेंज होगा, तो कहता है कि कोई बात नहीं। तो देखिए माइनस 45z प्लस 16z इक्वल टू 68, ये प्लस में है ना, ये कहता है इस नंबर से कि तुम मेरे तरफ आ जाओ, तो ये जाता है लेकिन साइन चेंज होता है तो माइनस 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो माइनस है अभी प्लस है तो माइनस का मात्रा अमाउंट ज़्यादा है तो माइनस साइन होगा और 45 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा, पन्ना में से 6 हो गया 9 3 1 2 19z होगा और यहाँ पर क्या हो गया 58 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि जेड इक्वल टू 58 बाई क्या आएगा माइनस 29 है, ठीक है। तो ये माइनस ऊपर में ट्रांसफर हो जाएगा, 2 मतलब कट गया तो यानी कि जेड इक्वल टू माइनस 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। दम हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट पाते रहिए और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, ओके, ठीक है ना, ओके।